नमस्कार दोस्तों, आज मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जो अभी रिसेंट में कोई चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिनके इलेक्शन में अभी एक साल का समय या 6 महीने 8 महीने का समय रह गया है। उन लोगों को मैं संदेश देना चाहता हूं। पहली बात तो मेरा एक सवाल है आपसे, क्या वाकई चुनाव लड़ने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं या चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं? अगर आपने चुनाव लड़ने के लिए खाली चुनाव लड़ना है तो ठीक है, आप पर्चा भरिए, नॉमिनेशन करिए, प्रचार जैसे आप कर रहे हैं करिए, और उस तरह से आप चुनाव लड़िए जिसमें आप थोड़ा बहुत शायद कुछ वोट भी ले आएंगे, लोग आपको पहचान भी लेंगे। लेकिन चुनाव जीतने के लिए अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको चुनाव के लिए अपने आप को पहले तैयार करना पड़ेगा, और ये तैयारी केवल और केवल फील्ड में नहीं होगी, ये 3 स्तर पर तैयारी होगी। एक तो मानसिक स्तर पर आपकी, एक आपके खुद के स्तर पर कि आपको किन किन संसाधनों की जरूरत होगी, क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए होंगी, और तीसरा आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के लेवल। अगर आपको लगता है कि आप वाकई चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा एक बार आप इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप में हमारी टीम से संपर्क करिए, हमारी टीम आपकी मदद करेगी। हम लोग इलेक्शन मैनेजमेंट और कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं उन उम्मीदवारों को जो चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसमें हम आपका पूरा इलेक्शन मैनेज करने की रणनीति बताते हैं, इलेक्शन में क्या क्या चीज़ें मैनेज करनी है, कैंपेन मैनेजमेंट कैसे करना है, स्ट्रेटजी को कैसे बिल्ड करना है, स्ट्रेटजी बन गई है तो स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट कैसे करना है, अगर इंप्लीमेंट हो गई है तो उसके रिजल्ट क्या है, क्या वो हमारी फेवर में है नहीं है, अगर फेवर में नहीं है तो फेवर में कैसे लाना है। अब मान लीजिए किसी बूथ पर हो सकता है आपका वोट शेयर बहुत कम है या वोट शेयर है ही नहीं, तो वहाँ एस्टेब्लिश कैसे करना है। मान लीजिए आपकी लहर नहीं चल रही तो लहर कैसे बनानी है। अच्छा, किसी और उम्मीदवार या पार्टी की लहर चल रही है तो उस लहर को कैसे तोड़ेंगे आप, उस लहर को तोड़ने का तरीका क्या होता है। मान लीजिए किसी कद्दावर नेता के सामने आपको टिकट मिल जाती है, ऐसे नेता के साथ आप चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे नेता के सामने जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश है, बड़ा दावेदार है या बड़ा नेता है, बड़े कद का नेता है, उसे कैसे हराएंगे। आगे क्या रणनीति होनी चाहिए जब हमारी फेवर में चीज़ें ना हो, जब चीज़ें हमारी फेवर में हो रही हों, लहर हमारी पार्टी की चल रही हो, तो उसमें लहर को वोट शेयर में कैसे कन्वर्ट करना होता है। आखिर बहुत सारे लोग राजनीति में फेल क्यों जाते हैं, 99% लोग फेल हो रहे हैं, आखिर वो कौन सी गलतियां कर रहे हैं। क्या हम ऐसा प्लस कर सकते हैं कि आपका वोट शेयर 1-2% बढ़ाया जा सके, अगर आप ऑलरेडी जीते हुए उम्मीदवार हैं। अगर आप पहले जीत नहीं पाए तो क्या कमियां रही हैं, सिंगल बूथ एनालिसिस कैसे करना है, मैन टू मैन मार्किंग कैसे करनी है। अगर हमने मैन टू मैन मार्किंग से रिजल्ट नहीं लिया है या नहीं आ रहा है रिजल्ट, तो उसमें और क्या चेंजेस करने हैं। सर्वे सब करवाते हैं लेकिन सर्वे में क्या पूछना है, सर्वे में पूछ लिया गया जो फीडबैक आया उसके फीडबैक के आधार पर आगे की रणनीति कैसे बनानी है। छोटी छोटी चीज़ें, पैम्फलेट बनना है तो पैम्फलेट में क्या चीज़ें होनी चाहिए, किस तरह से आपकी बात, आपकी रणनीति, आपकी पार्टी की रणनीति, आपका चेहरा, आपका सिंबल लोगों तक पहुँच पाए, क्या करें कि लोगों के दिलों में आपकी छाप हो और एंड तक भी लोग ये सोचने को मजबूर हो जाएं कि आपको ही वोट दिया जाए और लोग तैयार हो जाएं कि इस उम्मीदवार को सपोर्ट करना है मुझे। विरोधियों को कैसे तोड़ना है, अगर मान लीजिए कहीं डमी कैंडिडेट खड़ा करना पड़ जाता है तो डमी कैंडिडेट कैसे ढूंढना है, अगर खड़ा कर दिया गया तो उसको कैसे तैयार करना है कि वो हमें नुकसान ना पहुंचाए, केवल सामने वाले को नुकसान पहुंचाए। इस सब पर भी हमारी टीम काम करती है। इसमें कंसल्टेंसी का प्रोसेस ये होता है, सबसे पहले आपका एक 1-to-1 काउंसलिंग होगा मेरे साथ और मेरी टीम के साथ। कंटिन्यू करते हैं, सबसे पहले एक 1-to-1 काउंसलिंग होगा मेरे साथ, मेरी टीम के साथ। अगर वो काउंसलिंग में हमें लगा कि वाकई हाँ आप सीरियस हैं और हमारी टीम आपके यहाँ काम कर सकती है और कोई और उम्मीदवार वहाँ से नहीं आया हमारे पास, तो हम आपके साथ काम करने को तैयार होंगे। इस काउंसलिंग के बाद हमारी टीम का एक विजिट रहेगा आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी का। जी हाँ, जो बातें आपने काउंसलिंग में बताई होंगी उनको हम क्रॉस चेक करेंगे ग्राउंड पर कि आपकी जीत की संभावना कैसी है। दोस्तों, हमारा इंस्टीट्यूट पहला और इकलौता इंस्टीट्यूट है जो पॉलिटिकल कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता है उम्मीदवार के लेवल पर, और पूरी कोशिश करते हैं कि हर कीमत पर हमारा उम्मीदवार जीत करके आए, और अभी तक हमारा 80% विनिंग रिकॉर्ड रहा है। जिस भी उम्मीदवार के लिए, पार्टी के लिए हमने काम किया है, 80% लोग जीतते हैं। ठीक है, कुछ लोग चुनाव हार भी जाते हैं लेकिन उसमें उनकी भी गलतियां रहती हैं, और कई उम्मीदवार हमारे स्तर पर भी, हमारी भी कुछ कमियां रह जाती होंगी, मैं ये मानता हूं, लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि वो जीत पाए और उसे पता चल पाए कि वो कहां टिकता है। हमारी टीम की विजिट होगी, अगर विजिट के बाद हमें लगता है कि हाँ वाकई उस उम्मीदवार के पास उतने लोग हैं या उस तरह के संसाधन हैं जो चुनाव जीतने के लिए चाहिए, तो फिर हम अपनी कंसल्टेंसी देंगे। कंसल्टेंसी में पहला स्टेप होगा आपकी ट्रेनिंग, आपकी टीम की ट्रेनिंग। आप अपनी कोर टीम के 5, 6, 8, 10 लोगों को अपने दिल्ली हमारे हेड ऑफिस लेकर आना होगा। 5 दिन की ट्रेनिंग रहेगी, 3 घंटा रोज। अगर आप एक साथ लेना चाहें तो 2 दिन में भी हम इस ट्रेनिंग को पूरी कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड ये करूंगा कि 5 दिन का समय निकालें ताकि 3 घंटे सफिशियंट समय हो, आप सीख पाएं और उसके बाद उन चीज़ों को देख पाएं कि क्या चीज़ें और आपको चाहिए होंगी। उसके बाद ट्रेनिंग हो जाने के बाद हमारी फील्ड में काम शुरू होगा, हमारी टीम भी विजिट आपके फील्ड में करेगी और आपको रेगुलरली यहाँ से रणनीतियाँ दी जाएंगी। एक इलेक्शन मैनेजर अपॉइंट किया जाएगा आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में, जो रेगुलरली कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में हमें फीडबैक देगा और हम जो रिपोर्ट देंगे और रिपोर्ट को इंप्लीमेंट कराएगा। इसमें रिसोर्सेज सबको आपको यूज़ करने होंगे, अगर आपके पास वेंडर्स नहीं है, वेंडर्स हम अरेंज करके दे देंगे या हेल्प कर देंगे, लेकिन आप सब अपने एंड पे करिए, हम बता देंगे क्या क्या करना है। रेगुलरली मेरी खुद की विजिट रहेंगी, आपकी टीम को तैयार करना, बूथ लेवल मैनेजमेंट की टीम तैयार करना, टीम तैयार हो जाएगी तो उनको ट्रेन करना, उनको इस लायक बनाना कि बूथ पर कम से कम हर उम्मीदवार आपके लिए हर बूथ को जिताने के लिए प्रयास कर रहा हो, हर व्यक्ति प्रयास कर रहा हो, और अगर हर बूथ जीत लेंगे तो डेफिनेटली हम चुनाव भी जीत लेंगे।
इस रणनीति कंसल्टेंसी के लिए अलग अलग चुनाव के लिए अलग अलग चार्जेस रहते हैं, तो आप चाहें तो हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पर बात कर सकते हैं या हम जो नंबर आ रहे हैं स्क्रीन पे उनसे संपर्क कर सकते हैं। एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, एक लोकसभा, एक विधानसभा पे एक ही उम्मीदवार को हम लोग अपनी कंसल्टेंसी देते हैं, और वो किसी पार्टी का उम्मीदवार हो सकता है, इंडिपेंडेंट हो सकता है, हम उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस हमें ये पता होना चाहिए कि वो व्यक्ति सीरियस है, उसके पास वो सारे संसाधन है चुनाव जीतने के लिए, उसको पता नहीं उसको मैनेज कैसे करना है, मैनेज करना हम सिखाएंगे, पूरी रणनीति बनाएंगे हम लोग, तो आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। आपके उज्ज्वल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।